बिजनेसमैन है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई लॉयर है, मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं। इन्होंने एक मकसद से काम शुरू किया है और यहाँ पर आज हमारे यहाँ के MLA मिनिस्टर भारती सुरेश साहब को, हमारे CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नासिर अहमद साहब को, नासिर हुसैन साहब को और मुझे यहाँ पर बुलाकर एक तहनीती अजलास इन्होंने किया। मकसद यही है कि जिस तरह का आज का माहौल है, इस माहौल के हिसाब से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, जो गरीब तबका को पहुँच नहीं रही है, जो मिडिल मैन जो काम करता है उसको एराडिक करना है, और जो ड्रग्स का जो बहुत सा हमारा नौजवान उसमें चला गया है। अभी हमने MLA के साथ में रखा हुआ है, चाहे कि वो थोड़ा पुलिस का मामला हो, चाहे कुछ और भी हो, जितने भी मसल मसाल हैं MLA के पास। अभी मेरे MLA मिनिस्टर है, थोड़ा गैप हो रहा था, तो हमने सोचा हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे ताकि हमारी और उसकी गैप एक हो, नज़दीक हो और कौम का काम। 8 महीने हो रहे हैं मुस्लिम डेलीगेशन के MLA साथ, कितने बार मुलाकात हुई? देखिए, मुस्लिम MLA का एक फोरम है। नहीं, देखिए, जब जब हमने हमारे MLA को बुलाया है, शिकायत हो रही है कि MLA साहब अवाम से मिल रहे हैं, मिलते नहीं, नहीं मुसलमानों को अब तक मुलाकात नहीं है, वो कंप्लेंट आ रहा है। नहीं नहीं, देखो, मैं मेरी तकरीर में यही कहा, MLA साहब आप मिनिस्टर हो गए हैं, थोड़ा बिजी हो गए हैं, आप फॉर्म की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि MLA कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, इस डायरेक्शन में हम काम करेंगे। और आगे चलकर हब्बाल से भी अगर बोर्ड कॉरपोरेशन में कुछ मौका मिला, तो हम अगर 4 आ रहे हैं तो मेरी डिमांड 2 की रहेगी। इस तरह का हम करने की कोशिश करेंगे और MLA भी हमारा इंशाल्लाह साथ देगा।